दोस्तों व्हाट्स अप, वेलकम बैक। अभी तक तो लग रहा है कि इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा है। लेट्स होप कि आप पूरा मैच चले। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको टॉस एंड सारी डिटेल्स भेज दी थी ऑन टेलीग्राम, क्योंकि तब इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैंने सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दिए थे। आज है फर्स्ट सेमीफाइनल, फाइनली हम लोग सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। चेन्नई चैलेंजर्स वर्सेस बेंगलुरु बादशाह का मैच है आज। क्या आप लोगों ने अपनी सारी टीम्स बना ली है? क्या आपने बल्लेबाजी के इंस्टाग्राम पेज पे जाके वोट दिया कि कौन जीतेगा ये मैच? गुड इवनिंग विक्रम, राजीव, हाय, हाउ आर यू? 5-10 2 मिनट में शुरू करते हैं मैच। तो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर क्या है? बेंगलुरु जीता टॉस। बेंगलुरु कर रहा है पहले बैटिंग, एंड जो विकेट है वो थोड़ी ड्राई है मगर मीडियम हार्डनेस की है, तो फ्लैट भी है। आई थिंक वी कैन सी सम रन्स बीइंग स्कोर्ड, मगर एक अच्छी डिसीजन बेंगलुरु की, क्योंकि विकेट ओनली थोड़ा बहुत डिटीरियोरेट हो सकता है आगे जैसे गेम चलेगा। मगर हमने वो एक्सपेक्ट किया था विद दिल्ली का मैच हैदराबाद के साथ भी, मगर उस मैच में अगर आपको याद होएगा हैदराबाद, दे कुड नॉट डिफेंड 176 का टोटल ऑल्सो अगेंस्ट दिल्ली ऑन अ ड्राई विकेट। जसप्रीत हेलो, ओम व्हाट्स अप? मैं ठीक हूँ यार पीयूष, टेंशन में रह गए हैं बिकॉज इंटरनेट नहीं चल रहा था, भाग दौड़ में। अब चल रहा है, अब होप कर रहे हैं कि पूरे मैच चले। बड़ा स्क्रीन करो ये सब मत बोलना, क्योंकि जैसे अब चल रहा है भगवान का नाम लेंगे एंड होप करेंगे कि पूरे मैच में ऐसे ही चलता रहे इंटरनेट। तो गाइस शुरू करें, 7 बज चुके हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बीच में है, दैट मीन्स एआई वर्सेस एआई गेम है एंड इट इज़ अबाउट टू बिगिन। चेन्नई वर्सेस बैंगलोर एट चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। ड्राई विकेट बट मीडियम हार्डनेस विकेट, एंड इन द एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट बेंगलुरु हैव वन द टॉस, दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एंड इट्स अ सेमीफाइनल। आज जो टीम हारी वो बाहर है। विशाल हाय, पपाई हेलो, मुजम्मिल कह रहे हैं ऑलरेडी आरसीबी जीतेगा। आरसीबी फाइनल्स में 3 या 4 बार पहुंचा है आईपीएल के, बीएफएल के किसी फाइनल में नहीं पहुंचा है, क्योंकि आरसीबी खेलता ही नहीं उसके लिए, बेंगलुरु बादशाह खेलते हैं। आई एम गुड अंश, गुड इवनिंग ध्रुव। सो कोहली नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म, इज गोइंग टू फेस नगीडी फॉर द फर्स्ट बॉल ऑफ द सेमीफाइनल मैच। हियर वी गो, and full ball and he's dropped him. This could have been the perfect start, caught and bowled lete abhi Nagidi and Kohli wapis jate 0 of 1 ball pe, but lucky rahe, mushkil catch thi of course. Kal hai second semi final lunch, ye ek bari replay dekh liya jaye. Shot of good length delivery, Kohli drive karne ki koshish and ye dekhiye just bounced out. एंड अब पार्थिव पटेल स्ट्राइक पे, बड़ा परफेक्ट स्टार्ट फॉर नगीडी कहना पड़ेगा। पर कल है अंश, कल आउटसाइड एज स्लिप के ऊपर से 4 रन, तो पटेल भी लकी वे में ऑफ द मार्क होते हुए विद अ बाउंड्री। ये देखिए स्लिप के सर के ऊपर से चली गई, दो दो स्लिप्स रखे हैं, मगर ऑलरेडी नगीडी पुटिंग सम प्रेशर ऑन दिस बेंगलुरु साइड। हाय आशीष, शॉर्ट बॉल फिर से प्ले एंड मिस, ब्रिलियंट बॉलिंग, ब्रिलियंट स्टार्ट बाय लुंगी नगीडी।
बहुत अच्छी डिलीवरीज, हर बॉल पे चांस क्रिएट किए हैं, और इस बारी शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है डीप स्क्वायर की तरफ। एक रन मिलेगा पार्थिव पटेल को, पहला शॉट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट। 6 पे स्कोर बढ़ता हुआ 4 बॉलों में। क्या आज कैप्टन कोहली एक कैप्टन्स नॉक खेलेंगे? पूरे टूर्नामेंट नहीं चले हैं, मगर लॉ ऑफ एवरेजेस ग्रेट प्लेयर्स की क्या होती है, क्या कहती है कि शायद आज चल जाए। शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, डीप मिड विकेट के थ्रू बॉल जा रही है एंड मिलेगा चौका कोहली को। एंड ये चौका कॉन्फिडेंस जरूर देगा कोहली को। पता नहीं यार विशाल, मैं तो आई एम होपिंग फॉर अ गुड क्लोज मैच आज, एंटरटेनिंग गेम। कट अवे, फाइन लेग के पास बॉल जा रही है, तो एंड में 11 रन आते हुए ओवर के, कोई विकेट नहीं, मगर एक ड्रॉप कैच बाय द बॉलर, ड्रॉप नहीं कहेंगे, मुश्किल चांस थी, एंड एक एज फॉर 4 और एक और एज, तो 3 एक प्लेयर मिस, तो अच्छा ओवर पहला। एंड हेजलवुड नाउ ड्राइव स्ट्रेट टू कवर, डॉट बॉल, कोहली 6 रन 4 बॉलें। यस साहिल कह रहे हैं कि 160 से ऊपर मारना होगा जीतने के लिए, मोहित को ऑलरेडी कह रहे हैं 178 बन जाएंगे आज। ड्राइव किया इस बारी पॉइंट को पास, तो पहला शॉट कवर को, दूसरा शॉट पॉइंट को। हेजलवुड बॉलिंग बहुत अच्छी की है पूरे टूर्नामेंट हेजलवुड ने, बैटिंग में भी कुछ रन मारे थे एक मैच में। शॉर्ट बॉल कट अवे, बट अच्छा मिडिल ऑफ द बैट से गया शॉट, बट स्ट्रेट टू पॉइंट, गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। गाइज प्लीज यस लाइक दिस वीडियो, बहुत हार्ड वर्क करके मैं आज आपके लिए लाइव लाया हूँ, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, बहुत मुश्किल रहा है। एंड ये देखिए कोहली के इस शॉट के लिए लाइक कर दो, ओवर एक्स्ट्रा कवर, 2 बाउंसेस इनटू द फेंस एंड ही मूव्स ऑन टू द डबल फिगर्स एंड द क्राउड इज एंजॉयिंग इट। चाहे चेन्नई का क्राउड हो, बेंगलुरु का हो, दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो, जब कोहली रन मारता है एवरीवन इज चीयरिंग फॉर हिम। एक और अच्छा शॉट इस बारी कवर के ऊपर से एंड बॉल ऑल द वे जा रही है, नहीं, 1 बाउंस इनटू द फेंस एंड कोहली हैज स्टार्टेड फाइंडिंग द मिडिल ऑफ हिज बैट एंड दिस कुड बी ट्रबलिंग फॉर चेन्नई। 180 शशि कह रहे हैं हम। ड्राइव किया शॉट कवर के पास, 2 चौके इस ओवर में, 19 रन 2 ओवर के बाद। पार्थिव पटेल बैक ऑन स्ट्राइक, पार्थिव पटेल ने हर मैच में खुद को अच्छी स्टार्ट दिलवाई है और अपनी टीम को अच्छी स्टार्ट दिलवाई है, आज क्या करेंगे देखते हैं। ओहो अच्छी बॉल, लुंगी नगीडी इज बोलिंग विद हिज टेल अप टुडे, अपनी टीम को फुल फाइनल में ले जाना चाहते हैं विद ऑल हिज हार्ड वर्क। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर्ड एज अ गाय हु टुक हिज टीम टू द फाइनल। ये देखिए फिर से शॉट ऑफ गुड लेंथ, ट्रबलिंग लाइन फॉर पार्थिव पटेल। ये देखिए फिर से वही लाइन एंड इस बारी लकी रह गए, इनसाइड एज मिला, कीपर के दूसरी तरफ से निकल गई, फाइन लेग की तरफ गई एंड 4 रन मिलेंगे पार्थिव पटेल को। एक लकी बाउंड्री एंड अभी तक नगीडी बहुत अनलकी रहे हैं, ही वॉन्ट सम लक टू गो हिज वे। 23 पे पहुंच गया स्कोर 2.3 ओवर में, 300 तो नहीं बनेंगे जीवराज। ओ फ्लिक करने की कोशिश, आउटसाइड एज लिया एंड जब तक कवर ने फील्ड किया क्विक सिंगल पूरा किया पार्थिव पटेल ने, खुद को 10 पे ले गए, फिर से डबल फिगर्स पे जाते हुए पार्थिव पटेल। आई थिंक हर मैच में इस टूर्नामेंट में डबल फिगर्स मारे हैं पार्थिव पटेल ने। एंड अब कोहली आउटसाइड एज एंड द बॉल इज फ्लाइंग अवे जस्ट शॉर्ट ऑफ थर्ड मैन, एक रन पूरा होएगा, बट एक बहुत लकी सिंगल, ये थोड़ा सा और पीछे जाती तो कैच होती है थर्ड मैन की। आखिरी बॉल फिर से आउटसाइड एज, द बॉल इज फ्लाइंग अवे, फिर से जस्ट शॉर्ट ऑफ थर्ड मैन। तो अनलकी स्पेल अभी तक रही है ये नगीडी की, बट ही इज बोलिंग फैंटास्टिक लाइंस। टू कंटिन्यू फिर से उठाने की कोशिश, तो पार्थिव पटेल स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट, एजी रहे हैं शुरू से अपनी इनिंग्स में। थैंक्स भाई, मैंने तेरा कमेंट पढ़ के ये नहीं, इधर उधर मैं आंसर करूंगा, बट मैं भी स्क्रीन देख के थोड़ा एंजॉय करूंगा। बट डोंट वरी, यू गैस ऑल्सो एंजॉय द मैच, लेट्स होप फॉर अ अमेजिंग क्लोज गेम। शॉट पुल करने की कोशिश, फिर से एज, तो छोटा पटेल स्ट्रगल करते हुए थोड़ा बहुत। हेलो जमशेद,
ओ अच्छी बॉल फिर से पैड पे लगी, तो एक क्वाइट स्टार्ट, 3.3 ओवर्स हो चुके हैं। इट्स नॉट बिन अ स्टार्ट जहाँ पे सडनली 30 या 40 10 रन पर ओवर पे स्टार्ट होए। विकेट तो नहीं गिरी है मगर 21 बॉलों में सिर्फ 26 ही रन है। फिर से एज, फिर से मिड ऑन के पास डॉट बॉल, 3.4 ओवर, एक बहुत अच्छा ओवर ये जॉश हेजलवुड का। पहले ओवर में भी सिर्फ 8 रन दिए, अब 4 डॉट बॉल एंड इस बारी ड्रॉप, एज गई कीपर कीपर के पास एंड धोनी ड्रॉप करते हुए। तो दोनों ओपनर्स अब तक एक एक बार ड्रॉप हो चुके हैं। 3.5 ओवर्स, नो विकेट फॉर 26, एक क्वाइट, बहुत क्वाइट स्टार्ट एंड फिर से बॉडी पे लगी, लेग बाय भागेंगे मगर ये होएगा एक मेड इन ओवर फॉर हेजलवुड, दूसरा मेड इन इस टूर्नामेंट का लेग बाय एंड पार्थिव पटेल कीप स्ट्राइक, स्कोर बढ़ता हुआ 27 पे एंड अब इमरान ताहिर आते हुए बॉलिंग करने। पार्थिव पटेल स्ट्रगलिंग, 11 ऑफ 14 बॉल्स, नॉट द गेम ही वॉन्टेड टू स्टार्ट स्ट्रगलिंग। एक और है जी, तो बहुत अच्छी बॉलिंग ये, चेन्नई कीपिंग द ब्रेक्स ऑन द बेंगलुरु टीम एंड इस बारी डेस्परेशन में ये शॉट खेला है एंड इट विल पे ऑफ, बॉल जाएगी 4 रन के लिए। पार्थिव पटेल को एक और बाउंड्री मिलती हुई, तीसरी बाउंड्री उनकी 15 के स्कोर में, मगर 16 बॉल खेल चुके हैं। फ्लेक्ड इन द गैप, एक और बाउंड्री, सो नाउ वे इज पार्थिव पटेल फाइंडिंग द मिडिल ऑफ हिज बैट। इमरान ताहिर 3 बॉलों में 2 चौकों के लिए पिटते हुए पार्थिव पटेल को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। वेल आउटसाइड एज, फिर से मोनू कह रहे हैं कि पक्का जाएगी सीएसके फाइनल में। विराज विल डिस्कस, वोट लेंगे, वोट वोट अगर जीतेगी तो देयर शुडंट बी एनी चेंज इन द टीम एक्चुअली। फिर से आउटसाइड एज, बॉल वहीं गिर गई, तो 2 चौके मगर उसके बाद 3 एजेस, तो फिर भी पार्थिव पटेल नॉट स्कोरिंग एंड बेंगलुरु नॉट स्कोरिंग एट द पेस दे वुड वॉन्ट टू। एक और डॉट बॉल, 8 रन आए ओवर से, 5 ओवर पूरे हुए, नो विकेट बट ओनली 35 ऑन द बोर्ड एंड अब वापस फाइनली विराट कोहली को मिलती हुई स्ट्राइक। 30 बॉलों में 20 बॉल तो पार्थिव पटेल खा गए हैं एंड अब सैम करन आते हुए, आज ड्वेन ब्रावो की जगह जो खेल रहे हैं। ड्राइव स्ट्रेट टू कवर, डॉट बॉल, तो पावर प्ले की एडवांटेज रियली नहीं ले पाए हैं। चलो विकेट्स तो हाथ में है, राम राम अंकित। उठा दिया है डाउन द ग्राउंड, मिड ऑफ, विल हैव वर्क टू डू बट इट विल बीट हिम इजिली, 1 बाउंस इनटू द फेंस, तो कोहली को मिलता हुआ एक और चौका। ही इज लुकिंग गुड टुडे एंड पार्थिव इजंट। कोहली भी 19 पे बढ़ते हुए सिर्फ 12 बॉलों में, 19 20 बॉलों में पार्थिव पटेल। ओ एक और, ये देखिए प्रेशर बिल्ड हो रहा है कोहली पे, दूसरे एंड से अगर रन नहीं आ रहे, एक्सपेंसिव कवर ड्राइव मारने की कोशिश मिस की बट यूजली ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं कोहली। शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, ब्यूटिफुल शॉट, डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल जा रही है, एक और चौका एंड जो पटेल नहीं कर पा रहे हैं कोहली आज कर रहे हैं। 23 ऑफ 14 नाउ, ही इज मेकिंग श्योर कि ये लास्ट गेम ना हो। फिर से पुल किया है एंड फिर से गैप में पुल किया है, देखिए मिड विकेट पे फील्डर बट ही वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप इट, हाथ ही गेट्स अ हैंड टू द बॉल बट हिज बॉडी गोज ओवर द लाइन। 4 रन, 3 बाउंड्री कोहली इस ओवर में निकालते हुए। आखिरी बॉल ओवर की एंड ऊपर से उठा दिया है ओवर कवर, सो कोहली इज टेकिंग दिस अटैक टू द ऑपोजिशन टुडे। 6 ओवर्स पूरे हुए इन दोनों के बीच के, 50 की पार्टनरशिप पूरी हुई, 51 फॉर नो लॉस आफ्टर 6 एंड नाउ कैन पार्थिव ऑल्सो स्टार्ट फाइंडिंग द मिडिल ऑफ द बैट, इफ ही डज ट्रबल ट्रबल फॉर चेन्नई, 51 फॉर नो लॉस, बैलेंस में अभी भी कहना पड़ेगा गेम। ओ एज्ड एंड ड्रॉप बाय द विकेट कीपर वंस अगेन, आज धोनी दूसरा ड्रॉप करते हुए, दूसरी टीम के विकेट कीपर को ड्रॉप करते हुए, मे बी जान के ड्रॉप कर रहे हैं पार्थिव पटेल को क्योंकि वो धीरे खेल रहा है एंड इस बारी उठा दिया ऑफ हिज लेग्स बट फील्डर है बाउंड्री पे एंड इट कैरी स्ट्रेट टू हिम, तो पार्थिव पटेल की स्ट्रगलिंग नॉक हैज कम टू एन एंड, मे बी दिस कुड बी अ ब्लेसिंग एंड रवि जडेजा नाउ बिकम्स
द लीडिंग विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक 15वीं विकेट ये रवि जडेजा की। अच्छी कैच इमरान ताहिर की, 19 रन 22 बॉलों में, 4 चौके। स्टार्ट तो दे दी है मगर अब ए बी डी आ रहे हैं बैटिंग करने। कैन ही टेक दिस इनिंग्स फॉरवर्ड, कैन दीज टू कोहली एंड ए बी डी डू दिस टुगेदर, टेक दिस स्कोर टू अ बिग टोटल। पहली बॉल ऑन द ग्राउंड विराट कोहली ने खेली एक्चुअली 32 पे अपने स्कोर को ले जाते हुए, जो आई हैव अ फीलिंग कोहली का हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट का। एक बार चेक कर लेते हैं, वॉज इज हाईएस्ट स्कोर अभी तक। ड्राइव स्ट्रेट टू द फील्डर, नहीं 43, पहले मैच में 31 मारे कोहली ने, सेकेंड मैच में 43 मारे, एंड देन हिज फेलियर स्टार्टेड कमिंग इन। ऊपर काट एंड अ वेरी गुड काट, नो वन इज अ डीप पॉइंट, एंड ए बी डिविलियर्स अपनी पहली बाउंड्री उठाते हुए। फिर मारे 17, फिर मारा डक, फिर मारा 10 रन। गुड शॉट ओवर एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ इज ट्राइंग टू स्टॉप दैट, ही स्टॉप्स दैट वेरी वेल। 2 रन के लिए वापस आएंगे ए बी डिविलियर्स। ये दोनों अंश यार इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तू स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे करके देख ले प्लीज आज। तो 7 ओवर पूरे हुए, 1 for 58। सैम करन कंटिन्यूइंग, गुड फ्लिक शॉट, डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल जा रही है। कोहली का अच्छा शॉट, 33 पे बढ़ता हुआ उसका स्कोर अब। शॉर्ट बॉल, ए बी डिविलियर्स पुल्स इट अवे, डीप मिड विकेट पे फील्डर है, एक ही रन मिल पाएगा। विराट कोहली 33 of 18 बॉल्स, कैन ही डू दिस फॉर हिज टीम टुडे, कैन ही टेक हिज टीम थ्रू। ड्राइव स्ट्रेट टू द कवर फील्डर, डॉट बॉल, एक सेकेंड दोस्तों। दोस्तों मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर प्रॉब्लम आएगी देन वील फिगर इट आउट। थोड़ा सा बड़ा किया है, अगर फिर से चलते रहेगा अच्छे से इंटरनेट देन थोड़ा और बड़ा कर दूंगा धीरे धीरे। ऑल राइट, सिक्सटी फॉर वन, 7.3 ओवर्स नाउ। शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, सिर्फ मिड ऑफ के पास गई, मिड ऑन के पास, एक और डॉट, प्रेशर बिल्ड होता हुआ, 8 से कम का रन रेट। नहीं रंगलाल, मैं थोड़ा तुम्हारे लिए स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर रहा था एंड जो गाली दे रहा था उसको हटा रहा था यहां से। एक और प्ले एंड मिस, तो ये अच्छा ओवर सैम करन का, पहले ओवर में 16 रन के लिए करन गया, 4 बाउंड्रीज एंड अब सिर्फ 2 रन 5 बॉलों में। डाउन द ग्राउंड खेला है, क्विक सिंगल लेके सिर्फ 3 रन आए ओवर में, 8 ओवर्स 1 विकेट डाउन फॉर 61 रन। गुड इवनिंग विनय। विराट बैक ऑन स्ट्राइक, रवि जडेजा पहले ओवर में विकेट लिया, जब भी रवि जडेजा ऐसा करता है डेंजर होता है दूसरी टीम के लिए। और ये देखिए कितनी अच्छी बॉल, अपनी लाइन पकड़ी रखी, थोड़ी सी रुकी चिपकी बॉल पिच पे, ओ डाउन द ग्राउंड उठाने की कोशिश, थोड़ा सा इनसाइड एज फिर लगी पैड्स पे, अपील फॉर LBW, बट आई थिंक इट वॉज मोर आउट ऑफ डेस्परेशन of sending Virat Kohli back to the pavilion.
इस बारी वाइड दी जाएगी, नहीं दी, पोर पोर डिसीजन बाय द अंपायर, दिस वॉज क्लियरली अ वाइड बॉल बट नहीं दी अंपायर ने, एंड बेंगलुरु की स्लो स्टार्ट और स्लो होती हुई, स्वीप किया है, बॉल जा रही है डीप स्क्वायर लेग के पास, डीप मिड विकेट के पास, दे पुशिंग फॉर अ सेकंड, दिस कुड बी ट्रबल, दिस कुड बी अ लॉट ऑफ ट्रबल, समहाउ एबी डिविलियर्स गेट्स बैक, दीज टू एक्चुअली रन वेरी वेल बिटवीन द विकेट्स, आज बहुत अच्छे से भागना भी पड़ेगा और बहुत अच्छे शॉट्स भी मारने पड़ेंगे, बड़े शॉट, रिवर्स स्वीप, विराट कोहली रिवर्स स्वीप खेलते हुए, उनकी भी इनिंग्स अब स्लो हो रही है, 36 ऑफ 27 बॉल्स, पिछली 11 बॉलों में विराट कोहली ने हार्डली इतने कोई रन मारे हैं, फ्लिक्ड ऑफ हिज लेग्स डीप मिड विकेट पे, फील्डर है, एक ही रन मिलेगा, एक और अच्छा ओवर खत्म होता हुआ, सिर्फ 3 रन आए इस ओवर के भी, 64 पे स्कोर बढ़ता हुआ 9 ओवर्स के बाद, हेलो शिवम, एबीडी को फिर से स्ट्राइक नहीं मिल रही है, इमरान ताहिर टू विराट कोहली, ऊपर कट, मगर फील्डर मौजूद है डीप पॉइंट पे, ही इज गोना फील्ड इट, थोड़ी सी मिस फील्ड, मे बी दैट अलाउज 3 रन्स नाउ, यस इट डज, विराट कोहली 40 पे बढ़ता हुआ ऑफ 29 बॉल्स एंड स्कोर 67 पे बढ़ता हुआ, दे हैव टू मेक दिस ओवर काउंट, 67 फॉर 1 नाउ, 9.1 ओवर्स, एबी डिविलियर्स इज ऑन स्ट्राइक, फुलर बॉल आउटसाइड एज, थर्ड मैन के पास, शॉर्ट थर्ड मैन के पास, एक भी रन नहीं, डॉट बॉल, यस गेमिंग सेंटर थैंक यू, 19 बनाए 22 बॉल्स में, ऊपर काट, एंड इस बारी बॉल इज फ्लाइंग अवे, वन बाउंस इनटू द फेंस, एबी डिविलियर्स को मिलती हुई एक और बाउंड्री, डिविलियर्स इज अमंगस्ट द टॉप रन गेटर्स इन दिस टूर्नामेंट, अच्छे फॉर्म में रहे हैं, एंड ही विल वांट टू कंटिन्यू दैट टुडे, शॉर्ट बॉल डाउन द ग्राउंड उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है, इज ही गोना कैच दैट, इट जस्ट गोज ओवर हिज हेड, वन बाउंस इनटू द फेंस, तो बैक टू बैक बाउंड्रीज इन 11 रन इस ओवर में निकालते हुए एबी डिविलियर्स, दो बॉलें अभी भी बाकी इस ओवर की, ऑफ साइड पे खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर है, इट विल फॉल राइट जस्ट शॉर्ट ऑफ हिम, थोड़ा रिस्की क्रिकेट बट रन आ रहे हैं, 12 रन अब इस ओवर के, अगर एक चौका लग गया इट विल बी द परफेक्ट फिनिश टू द फर्स्ट 10 ओवर्स फॉर द बेंगलुरु टीम, विराट कोहली ऊपर काट, गैप में खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर, भाग रहे हैं बॉल की तरफ, दूसरे रन के लिए आते हुए, कुड दिस बी ट्रबल, ही जस्ट गेट्स होम, तो 78 फॉर 1 देन आफ्टर 10 ओवर्स, एंड ये ओवर काफी एक्सपेंसिव होता हुआ, एंड अब इन फॉर्म वॉटसन आते हुए, दो विकेट पिछले मैच में ली, प्लस रन भी मारे, ही वाज द मैन ऑफ द मैच ऑफ द लास्ट मैच, ड्राइव, बॉल जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के पास, इज ही गोना पुश फॉर अ सेकंड, नहीं, एक रन, 43 पे बढ़ता हुआ विराट कोहली का स्कोर, 43 ऑफ 24 था विराट कोहली का अभी तक हाईएस्ट स्कोर इन दिस टूर्नामेंट, उसको इक्वल कर चुके हैं सोनू, 19 रन मारे, शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे एंड पुल्ड अवे इन द गैप, फाइन लेग विल नॉट गेट देयर, तो एबी डिविलियर्स इज पुटिंग हिज फुट ऑन द पंप, एक्चुअली सॉरी विराट कोहली का चौका, पिछले बॉल पे एबी डिविलियर्स ने सिंगल लिया था, तो विराट कोहली 46 पे जाते हुए एंड उनका हाईएस्ट स्कोर, कट अवे एंड कट अवे इन द गैप, बट फील्डर विल रीच देयर डीप एक्स्ट्रा कवर का, 48 पे बढ़ता हुआ विराट कोहली का स्कोर, एंड व्हाट अ डे टू स्कोर रन्स, सेमीफाइनल्स डे, थैंक यू विनय फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन, थैंक्स गाइस फॉर हेल्पिंग आउट इन द चैट एज वेल, आई अप्रिशिएट इट, आउटसाइड एज, सीधा पॉइंट के पास, बिल्कुल बैलेंस में अभी गेम, 1 for 85, 10.4 ओवर्स, अगर यहां से विकेट्स गिरी तो प्रॉब्लम हो सकती है, मगर अगर थोड़ा सा रन रेट ऊपर गया देन चेन्नई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्यूटीफुल शॉट, मगर डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर है, बट ही गोना कम बैक फॉर अ सेकंड ईयर, एक्चुअली इज गोना बीट द फील्डर, व्हाट एन इनिंग्स बाय विराट कोहली, 9 चौकों के साथ 52 नॉट आउट ऑफ 34 बॉल्स, पहला 50 ऑफ BFL एंड ही हैज सेव्ड इट फॉर टुडे फॉर द सेमीफाइनल नॉकआउट गेम, इसलिए विराट है नंबर 1 चैंपियन, फुल बॉल फ्लिक किया है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट के पास बॉल जा रही है, एक रन के साथ खुश, 11 ओवर पूरे हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन पे अब, तो रन रेट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अगर विकेट नहीं गिरी तो काफी बड़ा स्कोर बन सकता है, इमरान ताहिर 9 विकेट फॉर 22 इन 2 ओवर्स, ओ अच्छी बॉल, अब जैसे जैसे बॉल पुरानी होगी, जैसे हमेशा मैं कहता हूं
थोड़ी सी चिपकती हुई बॉल ड्राई विकेट पे, मुश्किल हो जाएगा थोड़े रन मारने, मगर अभी तो नहीं लग रहा है। ऊपर कट, वन बाउंस, टू बाउंसेस इनटू द फेंस, एंड विराट कोहली शो आज मस्त शो लग रहा है। बढ़ता हुआ विराट का स्कोर 57 ऑफ 37 बॉल्स। रिवर्स स्वीप फील्डर के पास, ये विराट कोहली का यूजुअल शॉट नहीं है। ही शुडंट लुक टू गेट चीकी, ही शुड प्ले हिज ड्राइव्स, हिज कट्स, हिज फ्लिक्स। शॉर्ट बॉल फ्लिक्ड, बॉल जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। आई थिंक ही इज गोना पुश फॉर अ सेकंड हियर। एक्सीलेंट रनिंग, दीज टू रियली अंडरस्टैंड ईच अदर, ब्लाइंडली दे रन विद ईच अदर, एंड देखिए दो रन अच्छे उठाते हुए। छह रन इस ओवर में आ चुके हैं, क्या एक और चौका लग सकता है विराट कोहली के बैट से इस ओवर में। वो उठाने की कोशिश थी, गुगली बॉल, रीड नहीं कर पाए इस बारी विराट कोहली। थैंक यू रामजीत, मैं ठीक हूँ भाई। पांच बॉले, आखिरी बॉल इस ओवर की। ऊपर काट, अच्छा ऊपर काट, 10 रन ओवर के आए। 11वीं बाउंड्री विराट कोहली की, एंड द कैप्टन इज रियली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टुडे। 100 अप फॉर बेंगलुरु आफ्टर 12 ओवर्स, एंड रायना को बॉल देते हुए अब शॉर्ट बॉल। ओ कट करने की कोशिश थी, मिस की, बट लकली बॉल ने एज को भी मिस किया। 12.1 ओवर्स, वन विकेट डाउन, 100 रन ऑन द बोर्ड, 8 ओवर स्टिल लेफ्ट। आउटसाइड एज, तो अच्छी बॉलिंग, अच्छी स्टार्ट फॉर रायना, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग स्टार्ट फॉर रायना। दो बॉलें होती हुई, 100 रन ऑन द बोर्ड, 8 ओवर में एटलीस्ट 75 और रन मारना चाहेंगे, और मोर एक्चुअली। फिर से एज लगा, इस बारी आई थिंक दे गोना पुश फॉर अ सेकंड हियर। यस, बिकॉज दीज टू आर चैंपियंस व्हेन दे रन टुगेदर। 19 रन, 12 बॉलें, कोहली 63, डिविलियर्स 19, ये दोनों के भी बीच की 50 रन की पार्टनरशिप आई थिंक पूरी होने वाली है। ऊपर काट, बच गए। ये एक बहुत अच्छा ओवर रायना का अभी तक, बहुत अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन आए हैं इससे। फुलर बॉल, ऊपर कट, फिर से, फिर से धोनी ने ड्रॉप की। आज एमएस धोनी का दिन नहीं लग रहा है, मगर ये ओवर रायना का बहुत अच्छा लग रहा है। 2 रन 5 बॉलों में। आखिरी बॉल, कैन ही पनिश इट? यस ही डज, ही स्पॉइल्स दी ओवर फॉर रायना। शॉर्ट थर्ड फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया एबी डिविलियर्स ने, 4 रन मिले, मगर सिर्फ 6 रन फिर भी आए ओवर के, 13 ओवर 106। एंड शेन वॉटसन 12 रन के लगाए पहले ओवर में, सेकेंड ओवर उनका, कैन ही मेक अ डिफरेंस? उठा दिया है डीप, एक्स्ट्रा कवर पे कोई भी नहीं। विराट कोहली इज रियली मिडलिंग इट टुडे, चैंपियंस इनिंग्स खेल रहे हैं विराट कोहली। 67 ऑफ 42 बॉल्स, 110 पे स्कोर बढ़ता हुआ 13.1 ओवर्स में। अब इस बारी पैरों से उठाने की कोशिश थी, एज लगा, बट एक रन जरूर उठाया। अभी तक कोई भी छक्का नहीं लगा इस मैच में। विराट कोहली ने मारे हैं 12 चौके, एबी डिविलियर्स ने 5 चौके, एंड पटेल ने मारे थे 4। एंड आप देखिए नेल्सन पे स्कोर 1 for 111। एंड ये देखिए प्ले एंड मिस। मैं कहता हूँ नेल्सन एक बहुत ही माना जाता है यूनिवर्सली, एक जैसे 13 नंबर माना जाता है अनलकी नंबर, 111 भी स्पेशली इंग्लिश क्रिकेट में अनलकी माना जाता है। ड्राइव, चलो विकेट तो नहीं गिरी, 111 पे सिंगल मिला। मैं हमेशा बताता हूँ कि डेविड शेपर्ड एक अंपायर होता था, वो हॉप करने लगता था, अपने पैरों से जंप करने लगता था जब भी स्कोर 111 पे होता था। ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स इन द वर्ल्ड। एंड कोहली कंटिन्यूज टू पनिश वॉटसन। ओवर एक्स्ट्रा कवर, दूसरी बाउंड्री सेम एरिया में, एंड कोहली का स्कोर बढ़ता हुआ 72 ऑफ 44 बॉल्स पे, 116 पे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर। आखिरी बॉल ओवर की आ रही है, फुल बॉल, एंड ही इज फ्लिक्टेड अवे। दिस इज द शॉट ही वाज लुकिंग एट अर्लियर एज वेल। वन बाउंस, जस्ट बाउंसेस इनसाइड द रोप्स, मगर 76 पे एंड नो बॉल, तो 5 रन मिलेंगे। एंड 15 रन आ चुके हैं दोस्तों इस ओवर में, एंड अब एक फ्री हिट है फ्लिक्ड, मगर फील्डर है वहां पे डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पे, एक रन मिलेगा एंड दूसरे रन के लिए जाते हुए फंबल। तो चेन्नई को अब ये जो पार्टनरशिप है हर्ट करती हुई, 123 फॉर 1 आफ्टर 14 ओवर्स, एंड 17 रन आए वॉटसन के ओवर में। रायना अब एक ओवर 6 रन, अच्छा ओवर था पहला। ओ फिर से ऊपर काट मारने की कोशिश, तो एबी डिविलियर्स अब थोड़ा धीरे होते हुए, ही नीड्स टू
हिट द सेम गियर विराट कोहली हैज हिट बिकॉज विकेट्स बहुत है. आउटसाइड एज, एक रन मिलेगा, मे बी दे पुश फॉर अ सेकेंड. नो दे डोंट. लेट द इन फॉर्म विराट कोहली गेट ऑन स्ट्राइक. 78 of 46. पूरी टूर्नामेंट में विराट कोहली स्ट्रगल किए हैं एंड आज दूसरी टीम को स्ट्रगल करवा रहे हैं. 78 of 46 बॉल्स. गुड कट शॉट इन द गैप, डीप पॉइंट फील्ड करेगा, एक ही रन मिलेगा. 79 पे बढ़ता हुआ कोहली का स्कोर. भाई मैं क्या करूं अंश, गेम अपना कर रही है जो मन किया. कभी कभी धोनी को कहते हैं, इसलिए तो ही सच अ ग्रेट कैप्टन माना जाता है, ही एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस. उठा दिया है शॉट को पॉइंट के ऊपर से, डीप कवर फील करने के लिए पहुंचे, दो रन के लिए वापस आ रहे हैं. दिस कुड बी ट्रबलिंग. ओहो मिस की, सब कुछ मिस की, दो रन मिल गए. तो चार रन चार बॉलों में इस ओवर के. अमित ड्राई विकेट है मगर मीडियम हार्डनेस की, तो दोनों को हेल्प कर सकती है. स्पिनर्स को देखिए, देख कैसी बॉल आई बैट एंड बैट के बीच से. तो रायना ने अपने दो ओवर काफी इकोनॉमिकली डाले हैं, 10 रन 1.5 ओवर्स में. एंड हीज बॉल्ड हिम आउट. सो रायना को फाइनली विकेट मिलती हुई एंड वो है ए बी डिविलियर्स की. ए बी डिविलियर्स ऊपर कट मारने की कोशिश, मिस की, बॉल थोड़ी सी चिपकी विकेट पे एंड हीज बॉल्ड हिम. दूसरी विकेट गिरती हुई. एरन फिंच आ रहे हैं बैटिंग करने. अब 15 ओवर, 2 विकेट्स डाउन फॉर 127. कोहली 79, जडेजा टू कोहली नाउ. अच्छी बॉल स्पिन की. 5 ओवर बाकी, जितने रन मार सकते हैं इन 5 ओवर में मारने होंगे. फुलर बॉल स्वीप करने की कोशिश, मिस. एंड यही तो है, चेन्नई हैज दो स्पिनर्स, हर मैच में कोई ना कोई अच्छा करता है. जडेजा के फिगर्स देखिए, 2.2 ओवर्स, 1 for 10, इकोनॉमिकल भी, विकेट भी. इस बारी फ्लिक किया है एंड गैप पे फ्लिक किया है, लॉन्ग ऑन विल फील्ड द बॉल, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं. ही गेट्स होम. अगर डायरेक्ट हिट होती तो आउट होते. एक अच्छी पार्टनरशिप मगर अंश खत्म होती हुई. कोहली 81, शॉर्ट बॉल ड्राइव किया है, डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑफ फील्ड करने के लिए तो आ ही रहे हैं, एक रन ही मिलेगा. अच्छा ओवर ये भी. नॉकआउट गेम्स में कहते हैं कि एक बारी रन्स होना ऑन बोर्ड तो प्रेशर हमेशा दूसरी साइड पे रहता है. 130 बन चुके हैं. और ये देखिए फिंच आ जाए हैं मूड में कि भाई मैंने आके उड़ानी है बॉल. पहली बॉल उड़ाने की कोशिश थी, मिस की. लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ पीछे हैं, फिंच शुड रिमेंबर दैट. स्वीप, अच्छा स्वीप शॉट, डीप स्क्वायर लेग के पास बॉल जाएगी. दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं एंड रिकशे थ्रो एंड आराम से दो रन पूरे किए. बट एक बहुत अच्छा ओवर ये, सिर्फ 5 रन आए 16 ओवर के बाद. 132 पे जाता हुआ स्कोर. अब कोहली, रायना, क्या रायना को एक एक्स्ट्रा ज्यादा ओवर दे दिया है, पता नहीं, अभी पता चलेगा. अच्छी फील्डिंग. 23 बॉल्स रिमेनिंग, 170 बनने चाहिए नहीं तो इन ट्रबल रहेगी बेंगलुरु की टीम. उठा दिया है, फील्डर मौजूद, जस्ट बाउंसेस इन फ्रंट ऑफ हिम, एक ही रन मिलेगा. पीछे अच्छी फील्ड रायना के अगेंस्ट, एक थोड़ी नेगेटिव बॉलिंग बॉडी पे डालते हुए पीछे की तरफ अगर आप देखें, एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग भी नहीं, एक बीच में खड़ा है वो फील्डर, मगर एरन फिंच ने उठा दिया है. And I think he's going to get, is that 6 or 4? 4 for it. Good shot. So, 5 run up over ke. Same field. Outside edge. Shot third man. Ek aur achha over ye jaha hota hua abhi tak. Raina, 1 for 15. Aaj apne captain ka main bowler bante hoye. Full ball. Outside edge. Ball kaafi fine ja rahi hai. I think 2 run to milenge hi. Maybe they push for a third here. Yes, they're pushing for 3. Very good runs. 8 runs ab over ke aate hoye. Ek ball abhi bhi baki. Maine kaha tha ki shayad kya ek extra over de diya hai humne Raina ko. In is team ne Raina ko. Kohli on strike. Full ball. Flicked off his legs. Ball deep mid wicket ke paas jaati hoyi. Single hi milega. 84 of 54. Virat Kohli. Captain's knock today. 2 for 141 now.
यस प्रिया, वही देखने को मिल रहा है आज। यही तो होता है, चैंपियन प्लेयर्स नॉकआउट गेम पे स्कोर करते हैं। हेजलवुड 2 ओवर्स ओनली 8 रन इज गिवन एंड नाउ 2.1 ओवर्स, एक और डॉट बॉल। आज चेन्नई के बॉलर्स ने चाहे विकेट्स तो नहीं लिए मगर डॉट्स बहुत डाली हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ताहिर सिर्फ एक्सपेंसिव रहे हैं। ड्राइव, एक और डॉट, प्रेशर बिल्डिंग, सिर्फ 16 बॉले बाकी हैं, रन नहीं आ रहे हैं। क्या सेंचुरी मार पाएंगे विराट कोहली? फ्लिक्ड ऑफ हिज लेग्स एंड फ्लिक्ड इन द गैप, लॉन्ग ऑन इज रनिंग फॉर द बॉल, 2 रन के लिए वापस आते हुए। इस टाइम पे बाउंड्रीज चाहिए मगर 143 for 2। अभी रन अ बॉल 158 बनेंगे, दैट आई डोंट थिंक विल बी इनफ, 170 एटलीस्ट देखना चाहिए। फुल बॉल, ड्राइव, लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल जा रही है, बॉल एक ही रन मिलेगा कोहली को। 87 पे उनका स्कोर बढ़ता हुआ। जॉश हेजलवुड, ही इज बोल्ड ब्रिलियंटली टुडे, नो विकेट फॉर 11 रन 2.4 ओवर्स में। ड्राइव, एक और फील्डर के पास, फिर से सिर्फ 3 रन इस ओवर में। इसके बाद 2 ओवर बाकी, रन रेट काफी खराब। यस, दैट इज व्हाट नीडेड मोर, मगर फिर से फील्डर को ढूंढते हुए एक रन मिलेगा, 145 एंड अ टेरिफिक 4 रन ओवर बाय जॉश हेजलवुड। लुंगी नगीडी अब अनलकी रहे अपनी अर्ली स्पेल में, बहुत अच्छी बॉलिंग की लुंगी नगीडी ने। क्या इस ओवर में अच्छी बॉलिंग करके विकेट निकाल सकते हैं? ड्राइव, एक और डॉट, ये देखिए लेंथ क्या चेंज कर दिया है ये चेन्नई के बॉलर्स ने। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, थोड़ी शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, रन नहीं आ रहे। 2 for 145 नाउ। फुल बॉल सीधा बॉलर के पास वापस, एक और डॉट बॉल, सिर्फ 10 बॉले बाकी अब। दिस इज नॉट इनफ, अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि 160 बनेंगे या नहीं। फ्लिक्ड ऑफ हिज लेग्स एंड दिस टाइम इज फ्लिक्ड इन द गैप, विल द बॉल बीट द फील्डर? Yes, it does. A more very much needed boundary coming now. 149 for 2. Finch बढ़ता हुआ 14 रन पे 10 बॉलों में। Yes, अंश, मुझे भी लग रहा है 170 से नीचे ही होएगा अब स्कोर। ये देखिए बैट एंड पैड के बीच से निकाली, कट हुई बॉल वापस। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये विकेट बन गई है हार्ड फॉर स्कोरिंग रन या जस्ट बेंगलुरु बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। शॉर्ट बॉल पुल्ड, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है, एक ही रन मिलेगा, तो सिर्फ 5 रन इस ओवर के भी। नॉट इनफ, नॉट इनफ एट ऑल। 2 for 150, कोहली 87, कट, मगर फील्डर को ढूंढा, एक और डॉट, सिर्फ 5 रन आए ओवर के। 19 ओवर पूरे होते हुए 2 विकेट्स डाउन फॉर 150 नाउ एंड फिंच facing Hazelwood, 3 overs, no wicket for 12 runs. What a spell of bowling. पहली बॉल फ्लिक कर दी है एंड गैप में जा रही है, 4 रन मिलेंगे, सो गुड स्टार्ट टू द फाइनल ओवर। 154 पे बढ़ता हुआ, 5 बॉले अभी भी बाकी, क्या 165 तक ले जा सकते हैं हम? फुल बॉल फ्लिक किया है, आई थिंक इज गोना पुश फॉर 2 हियर। यस, गुड रनिंग, 21 पे बढ़ता हुआ। एरन फिंच का टोटल अब, विकेट नहीं गिरी है मगर एक जो कहते हैं रन सेविंग लाइंस एंड लेंथ्स, वो चेन्नई ने बहुत अच्छी डाली है। डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद है बट आई थिंक ही गेट देयर। यस, व्हाट अ कैच, व्हाट अ रनिंग कैच एंड हेजलवुड इज डिलाइटेड, ही डिजर्व्स दैट विकेट। डाउन द ग्राउंड उठाया, काफी सीधा उठाया था, लॉन्ग ऑन पे फील्डर था एंड भागते हुए लॉन्ग ऑन का फील्डर गया एंड एक बहुत अच्छी कैच रही। एंड जैसे संजीव कह रहे हैं कि जो फील्डिंग है वो आज बहुत अच्छी रही है, 21 of 15 बॉल्स पे जाते हुए। एंड अब देवदत्त पदिकल आएंगे बैटिंग करने, मगर स्ट्राइक पे विराट कोहली, 3 बॉले हैं उनके पास, कैन ही फिनिश दिस इनिंग्स इन स्टाइल। फुल बॉल, प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस, तो सिर्फ 6 रन आए हैं इस ओवर से भी, 3 for 156।
दो बॉले बाकी, ड्राइव गैप में खेला है, आई थिंक दो रन के लिए वापस आएंगे, यस ही इज कमिंग बैक, नहीं वापस जाते हुए। तो विराट कोहली 88 नॉट आउट रहेंगे ऑफ 61 बॉल्स एंड देवदत्त पडिक्कल नाउ इज ऑन स्ट्राइक। एक बॉल मिलेगी पडिक्कल को, पुल किया, गैप में पुल किया, आई थिंक दो रन के लिए वापस तो आएंगे ही। तो 159 फॉर थ्री बनाते हुए देवदत्त पडिक्कल टू नॉट आउट ऑफ वन बॉल रहेंगे, बट आई डोंट नो इफ दिस इज इनफ दोस्तों, एक भी छक्का नहीं लगा इस इनिंग्स में। 159 फॉर थ्री, बहुत अच्छी बॉलिंग चेन्नई टीम की, बट विराट कोहली द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 88 नॉट आउट ऑफ 61 बॉल्स। पटेल थोड़ा स्ट्रगल किए, 19 ऑफ 22। एबी डिविलियर्स, वेल दैट पार्टनरशिप वॉज 76 की पार्टनरशिप थी वो, उसके बाद 21 आरन फिंच, बट कोई भी बैट्समैन एक्सेप्ट कोहली ज्यादा हिटिंग नहीं कर पाया एंड यहीं पे 175 और 159 में डिफरेंस रहा। बॉलिंग फिगर्स देखे जाएं, नगीडी 3 ओवर्स नो विकेट फॉर 23, एक्सीलेंट बॉलिंग फिगर्स अलॉन्ग विद हेजलवुड 4 ओवर्स 1 फॉर 21। हेजलवुड हैज बीन एक्सीलेंट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। इमरान ताहिर एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर्स नो विकेट फॉर 32। सैम करन 2 ओवर्स नो विकेट फॉर 19, एक्सपेंसिव रहे। रवि जडेजा 1 फॉर 15 इन 3 ओवर्स, terrific spell of bowling, he's become the leading wicket taker in the BFL now, and Shane Watson 2 overs 29, bahut expensive rahe, isliye actually score 159 pahuncha because of that one Watson over, and Raina 3 overs 1 for 19, excellent bowling, and ab aayegi Chennai ki team batting karne, Duplessis and Watson open karenge aaj, target jo hai 160 ka hai, I think ban sakta hai, Chennai have a chance to reach the finals of the BFL, पहली टीम बन जाएगी आज जीतने के लिए। डेल स्टेन आज टीम में वापस आए हैं, ही इज बोलिंग टू डुप्लेसी, एंड अच्छी बॉल नहीं थी, रूम दिया आउटसाइड ऑफ एंड ओवर एक्स्ट्रा कवर खेलते हुए डुप्लेसी, ही इज ऑफ द मार्क इन स्टाइल विद अ बाउंड्री। विराट कोहली आज 88 नॉट आउट ऑफ 61 बॉल्स मारे हैं, मगर उनकी टीम ने ज्यादा रन नहीं मारे हैं, 159। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ कमबैक, 144.5, जस्ट मिसिंग ऑफ स्टंप, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, यस मुजफ्फर, बट कुछ भी हो सकता है, दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट, प्रेशर ऑन द बोर्ड ऑन अ नॉकआउट गेम विद द टोटल ऑन द बोर्ड। पैरों पे बॉल फ्लिक कर दिया है, ग्राउंडेड शॉट था, गैप में जा रही है डीप स्क्वायर लेग की, अच्छी फील्डिंग फाइन लेग की, दो रन लेके डुप्लेसी खुश। सिक्स ऑफ थ्री बॉल्स, फैफ डुप्लेसी, डेल स्टेन फायरिंग इन, ही नोज अगर जीतना है आज स्टेन ने विकेट लेनी होगी, फ्लिक किया है जस्ट वाइड ऑफ दैट स्क्वायर लेग फील्डर, फिर से बाउंड्री की तरफ बॉल जाती हुई, दो रन के लिए वापस आएंगे, 8 रन पे बढ़ता हुआ 4 बॉलों में स्कोर, 8 रन पर ओवर चाहिए जीतने के लिए, तो वो इस ओवर में टिक होता हुआ, 8 रन आ चुके हैं इस ओवर के, तो एनीथिंग एक्स्ट्रा विल बी अ बोनस। ओ फ्लिक करने की कोशिश थी, एज लगा, एक क्विक सिंगल उठाते हुए वॉटसन को स्ट्राइक पे लाते हुए, 9 रन आ चुके हैं हम। डुप्लेसी एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट देते हुए चेन्नई को, कॉन्फिडेंट स्टार्ट, चेन्नई जो जानती है ऐसी सिचुएशंस में कैसे खेलना होता है, दे हैव प्लेड टू मेनी नॉकआउट गेम्स। ड्राइव स्ट्रेट टू कवर, डॉट बॉल, एक ओवर पूरा हुआ, 9 रन ऑन द बोर्ड। वॉटसन पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, ही स्कोर्ड सम रन्स विद द बैट, 33 ऑफ 25 एंड 2 विकेट्स। उडाना एज्ड, बॉल लॉब हुई वहीं पे गिर गई, एक क्विक सिंगल लेते हुए डबल फिगर्स पे जाते हुए फैफ डुप्लेसी। इसुरु उडाना ने पहले मैच में 2 विकेट ली थी अपने, पिछले मैच में भी 1 विकेट ली थी, सो ही इज अ गुड T20 बॉलर फॉर श्योर। शेन वॉटसन एक बॉल अभी खेली है, ओ ड्राइव करने की कोशिश, जस्ट सी इट मूव्स विद द एंगल, गुड बॉलिंग बाय इसुरु उडाना द श्रीलंकन, लेफ्ट आर्म एंगल लाते हुए, 1.2 ओवर्स नाउ, 10 रन ऑन द बोर्ड, अगर एक विकेट गिर गई प्रेशर बढ़ जाएगा, मगर वॉटसन ने उठा दिया है डाउन द ग्राउंड, एक हाफ वॉली थी एंड इज पनिश्ड इट, 4 रन, 14 रन पे बढ़ता हुआ स्कोर, दूसरा चौका इस मैच का फॉर चेन्नई एंड पहला चौका फॉर वॉटसन, ही इज ऑफ द मार्क विद द बाउंड्री। इस बारी उठाने की कोशिश थी, जस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ स्क्वायर लेग, एक और एज, क्विक सिंगल, 15 रन, 8 रन पर ओवर, जैसे मैं बोलता हूं अभी तक 6 रन इस ओवर से आ चुके हैं, रिक्वायर्ड रन रेट, आउटसाइड एज, गुड बोलिंग बाय उदाना,
ही इज लुकिंग गुड आउट देयर। आखिरी बॉल ओवर की, 5 बॉलों में 6 रन दिए हैं। अगर एक रन आया देन दे विल बी एट पार ऑफ द रिक्वायर्ड रन रेट। नहीं आया, डॉट बॉल। अच्छा ओवर उदाना का, 15 रन अब 2 ओवर के बाद। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी विकेट पे भी बॉल स्टिक हो रही है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है रन बनाना स्पेशली स्लोअर बॉलर्स के अगेंस्ट। तो इट कुड बी अ टफ टास्क टू स्कोर 160। इस बारी तो कट कर दिया है शेन वॉटसन ने। व्हाट अ टेरिफिक शॉट, क्लासिक वॉटसन। ये देखिए शॉट आउटसाइड ऑफ, ब्यूटिफुल कट शॉट, पॉइंट के पीछे से 4 रन। 159 बनाए बेंगलुरु ने इंटेलिजेंस पर्सन। शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे दिस टाइम थ्रू द लेग साइड। फाइन लेग के लिए थोड़ा वर्क है मगर ही विल गेट देयर। 2 रन मिलते हुए 21 रन पे बढ़ता हुआ स्कोर। तो डेल सेन अपनी जो कमबैक है उसमें इतना अच्छा करते नहीं हुए अभी तक। 2 मैचेस मिस किए डेल सेन ने मगर इस मैच में भी एक्सपेंसिव है। 8 बॉलों में 15 रन। एंड इस बारी अच्छी बॉल, फास्ट बॉल, एज लगा बड़े क्विक सिंगल लेते हुए। तो अच्छी बैटिंग ये चेन्नई की। दे आर पुटिंग द प्रेशर, दे आर टेकिंग द सिंगल्स ऑल्सो, दे आर नॉट प्लेइंग डॉट बॉल्स एंड दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन द पावर प्ले। 22 रन। ये तो बहुत खराब बॉल, बहुत खराब बॉल, कंप्लीट मोमेंटम शिफ्ट करती हुई वाइड एंड 5 रन मिलेंगे। डेल स्टेन कंप्लीट मोमेंटम शिफ्ट करते हुए इसके साथ 27 रन पे स्कोर बढ़ता हुआ। फिर से एज लगा, दे आर गोइंग फॉर द क्विक सिंगल, रॉन्ग एंड पे थ्रो। 28 पे बढ़ता हुआ स्कोर। इनसाइड एज था तो अपील करने के कोई फायदा नहीं है। एंड अब रन रेट 10 रन पर ओवर होता हुआ बिकॉज ऑफ दोस 5 वाइड्स। इनसाइड एज, द बॉल इज फ्लाइंग अवे टू फाइन लेग। 1 ही रन मिलेगा। आखिरी बॉल अब 29 ऑन द बोर्ड। लास्ट बॉल कमिंग अप। डेल सेन काफी अनॉयड होंगे खुद से भी। एंड ये देखिए आखिरी बॉल पे ओवर कवर, वॉटसन जस्ट एंजॉइंग हिमसेल्फ नाउ। 4 रन, 33 फॉर नो लॉस आफ्टर 3 ओवर्स, 11 का रन रेट। एंड उदाना सिर्फ 6 रन के लिए गए हैं आउट ऑफ दैट एंड 27 रन के लिए गए हैं 2 ओवर में। डेल स्टेन आउटसाइड एज, अच्छी बॉलिंग उदाना की 135 की स्पीड से। अगर कोई लग रहा है अभी विकेट लेगा वो सिर्फ इसुरु उदाना लग रहे हैं। ओ वाइड बॉल दी जाएगी, यस वाइड गिवन बाय द अंपायर। एक भी सिक्स नहीं लगाया अभी तक अंश, यस फिर से उठाने की कोशिश। आउटसाइड एज मिला, ही इज गोइंग फॉर दैट क्विक सिंगल एंड ही विल गेट इट। देखिए कितने रन सिंगल से लिए हैं। दूसरी तरफ बेंगलुरु ये सारी बॉल्स डॉट बॉल खेल रही थी एंड यही डिफरेंस है अभी तक दोनों टीम्स में एंड दोनों टीम्स के रन रेट में। वो उठाने की कोशिश, पैड से लगा शॉट थर्ड मैन की तरफ गई। उदाना अच्छी बॉलिंग करते हुए, दूसरी तरफ डेल स्टेन स्ट्रगल करते हुए। थोड़े बहुत एजेस तो निकाले हैं डेल स्टेन ने बट फिर भी। फिर से पैड पे मारा, कीपर के हाथ में गई बॉल। 4 अच्छी बॉलें इस ओवर में इसुरु उडाना की और 1 वाइड बॉल। 2 रन ही आए हैं इस ओवर से। इनसाइड एज एंड इस बारी लकी रहेंगे, लकी बाउंड्री फॉर शेन वॉटसन, टेक्स हिम इनटू 20s। 20 पे आते हुए अब वॉटसन का स्कोर 11 बॉल्स में। 39 पे बढ़ता हुआ स्कोर एंड इस बारी डाउन द ग्राउंड उठा दिया है। That is like rubbing salt on the wound. इतनी अच्छी बॉलिंग बट एंड में इस ओवर में 10 रन आते हुए। अब चहल आते हुए बॉलिंग करने, 43 फॉर नो लॉस इन 4 ओवर्स। इट्स जस्ट लाइक 2 डिफरेंट टीम्स आर बैटिंग आउट देयर। पहली बॉल फ्लिक्ड ऑफ हिज लेग्स इन द गैप, 4 रन्स, वेलकम टू द अटैक युजविंदर चहल कहते हुए फास्ट डुप्लेसी विद दैट ब्यूटिफुल शॉट। आकाश अभी भी कह रहे हैं कि आरसीबी जीतेगा, भाई मुश्किल लग रहा है अब तो। आउटसाइड एज, बॉल कवर की तरफ रिंगती हुई। कोहली आज काफ़ी इरिटेटेड होंगे क्योंकि उन्होंने तो रन मारे, कोहली ने मारे आज 88 ऑफ 61 बॉल्स मगर बची हुई टीम कुछ नहीं करी है।
इस बारी पैड पे लगी, गुड कम बैक। अब चहल अपनी राइट लाइन एंड लेंथ ढूंढते हुए वहाँ पे, पहली बॉल पे थोड़ा टाइम लगता है लेग स्पिनर्स को स्पेशली अपनी लाइन एंड लेंथ ढूंढने के लिए, मगर इस बारी फिर से गैप पे खेल दिया है, मगर लॉन्ग ऑन पे फील्डर है, एक रन मिलेगा। दे गोइंग फॉर अ सेकेंड, कुड दिस बी ट्रबल, राइट एंड पे थ्रो थी बट बच गए दो रन मिलते हुए। 49 नाउ दोनों ओपनर्स, 51 की पार्टनरशिप थी दूसरी ओपनिंग की टीम की। एंड डाउन द ग्राउंड फैफ डुप्लेसी को मिलेगा एक और चौका, एंड दैट मींस 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, एंड 50 की पार्टनरशिप इन दोनों की भी पूरी होती हुई। तो दोनों ओपनिंग बैट्समैन आज 50 की पार्टनरशिप करते हुए, बट चेन्नई की मच फास्टर, 53 ऑफ 29 बॉल्स। एक कोलैप्स की जरूरत, आउटसाइड एज एंड हीज ड्रॉप्ड हिम, एरन फिंच हैज ड्रॉप्ड फैफ डुप्लेसी, दैट्स अ बिग बिग ड्रॉप। अब क्रिस मॉरिस आते हुए बॉलिंग करने, बट डुप्लेसी 23 और 18 पे ड्रॉप होते हुए, फ्लिक्ट ऑफ हिज लेग्स, एज मिला, स्क्वायर लेग के पास बॉल गई। देखिए फिर से क्विक सिंगल लेते हुए, ये जो डॉट बॉल्स है, हाय हाय सदानंद, डॉट बॉल्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली, आउटसाइड एज एंड द बॉल इज फ्लाइंग अवे, लक फेवर्स द ब्रेव एंड इट्स फेवरिंग फैफ डुप्लेसी राइट नाउ। पिछली बॉल पे ड्रॉप हुए, इस बॉल पे आउटसाइड एज गया चार रन के लिए, 58, सिर्फ 102 रन चाहिए अब 88 बॉल्स में। आउटसाइड एज, थर्ड मैन के पास बॉल जाती हुई, एंड अंपायर ने दिया है नो बॉल, तो एक और नो बॉल एंड स्कोर अब बढ़ता हुआ, फ्री हिट होगी, दो रन मिलेंगे, तो दो बॉलों में से 7 रन के लिए जा चुके हैं। एंड अब वॉटसन खेलेंगे फ्री हिट, ओ एंड दैट्स गोइंग फॉर 4 बाइज के लिए जाती हुई, अब 100 से भी कम रन चाहिए जीतने के लिए, नथिंग एट ऑल गोइंग बेंगलुरुज वे, कुछ भी नहीं संजीश। ड्राइव स्ट्रेट टू शॉर्ट कवर, मगर द डैमेज इज ऑलरेडी डन, बहुत सारे एक्स्ट्रास देते हुए इट्स सीमिंग लाइक बेंगलुरु को बैग्स पैक करके घर जाना पड़ेगा इसके बाद। शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, फाइन लेग की तरफ जाएगी, एक रन मिलेगा, थोड़ी सी मिस फील्ड मगर दे वोंट रन फॉर दैट। 65 पे बढ़ता हुआ स्कोर, अभी तक कोई भी विकेट नहीं ले पाए हैं, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस ये फ्रॉम द चेन्नई टीम। डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, लेग बाय मिलेगा, तो 0 विकेट्स डाउन फॉर 66 रन्स आफ्टर द पावर प्ले, 67 रन्स, एंड एक और नो बॉल, हु न्यू, एक और फ्री हिट, तो बहुत खराब ओवर ये क्रिस मॉरिस का, 67 फॉर नो लॉस एंड फ्री हिट अभी भी। ड्राइव स्ट्रेट टू द फील्डर, तो एडवांटेज नहीं ले पाए, 67 फॉर नो लॉस आफ्टर 6 ओवर्स। कंपेयर किया जाए 16 रन आगे, 9 विकेट फॉर 51 था पावर प्ले के बाद बेंगलुरु का स्कोर, तो 16 रन आगे। वॉशिंगटन सुंदर अब अटैक में आते हुए, कैन ही गेट सम विकेट, 67 फॉर नो लॉस आफ्टर 6 ओवर्स। इनसाइड एज, बॉल काफी फाइन जा रही है, फाइन लेग पे कोई भी नहीं, जब तक फील्ड होगी दो और रन मिलेंगे, 69 पे बढ़ता हुआ स्कोर। कल है कोलकाता वर्सेस मुंबई का मैच, कोलकाता वर्सेस मुंबई, आउटसाइड एज, शॉर्ट थर्ड मैन के पास बॉल गई, दिस इज द टाइम, अगर कुछ भी होना है अगले 4 ओवर में होना होगा, नहीं तो ये मैच खत्म हो जाएगा। 91 टू विन, आउटसाइड एज, अच्छी बॉल, तो अच्छी स्टार्ट फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर अभी तक। फिंच दूसरी टीम में, आकाश उसकी बैटिंग हो चुकी है, रिप मिलती हुई एक स्पिनर को, ये देखिए फिर से आउटसाइड एज, तो चारों बॉलों में एज निकाला है अभी तक वॉशिंगटन सुंदर ने, फैफ डुप्लेसी का, दो रन 4 बॉलों में देते हुए। इस बारी ऊपर कट, एंड इस बारी मिलेगा चौका, अच्छी बॉल अच्छी बॉल अच्छी बॉल अच्छी बॉल, एंड देन लूजनर एंड 4 रन्स। स्वीप, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, दे गोना पुश फॉर अ सेकंड हियर, यस दे आर,
दिस कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल हियर. नो ही गेट्स होम. वेलकम सामी खान फ्रॉम पाकिस्तान. क्या हाल है वहाँ पे, सब ठीक है? कोरोना वायरस का कैसा चल रहा है वहाँ पे? 7 ओवर नो विकेट फॉर 75 रन्स. वॉटसन नाउ फेसिंग एक क्विक सिंगल लेते हुए कवर के पास खेल के. RCB इज स्ट्रगलिंग आउट देयर. भाई अंश, मुझे तो अब लगता है ऑब्वियसली चेन्नई जीत जाएगी. 84 फ्रॉम 77 बॉल्स चाहिए. इस बारी अपील ही नहीं की. देयर वाज एन एज, क्लियर एज. आई हर्ड इट इन माय ईयर. देयर वाज नो अपील बाय द फील्डर्स. दैट इज अ बिग स्क्रू अप. दैट शुड हैव बीन आउट. इस बारी एज लगा एंड कीपर के सर के ऊपर से जाती हुई. सैफ डुप्लेसी को एक और चौका मिलता हुआ विद एन एज एंड इट्स गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर द बेंगलुरु टीम. 80 फॉर नो लॉस नाउ. दे आर हाफ वे देयर. 80 रिक्वायर्ड फ्रॉम 75 बॉल्स एंड इस बारी वाइड दी जाएगी. एक्चुअली नो बॉल दी गई है तो फ्री हिट मिलेगा. फ्री हिट मिलता हुआ अनदर नो बॉल. Morris is struggling out there. And ye dekhiye, top edge. And the ball might just fly for the first six of this match. Oh no, keeper ke haath mein gayi. Mere ko laga wo piche ja rahi thi. Magar ek run lete hue. So ek run mila of a free hit. Catch hua, but it doesn't matter. Shane Watson is now on strike. Drive. Ek aur no ball. Ek aur no ball, dosto. Watson apna score 28 pe badhate hue. And ek aur free hit. 84 for no loss now Chennai. And Chris Morris is struggling out there. Chauthi no ball unki. Outside edge. The ball flies away to third man. Ek run milega. And they're going to come back for a second because of a misfield. Bengaluru is just waiting now. Bhai, match khatam hoye. Hum log ghar jayen. 74 of 73 balls. आउटसाइड एज फिर से थर्ड मैन के पास बॉल जाएगी. एक रन मिलेगा एंड अगर दो तीन और रन हो गए तो ये हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप बन जाएगी इस टूर्नामेंट की. 3 गेम्स इन अ रो वी वुड हैव हैड रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप्स. पुल्ड एंड पुल्ड इन द गैप. लॉन्ग ऑन विल फील दैट. आर दे गोइंग टू पुश फॉर अ सेकंड? दे आर. दिस कुड बी ट्रबल. नो, ही मेक्स इट होम. तो ये हो गई है हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप. पिछले मैच की बीट की है हैदराबाद की का टोटल एंड उससे पिछले मैच में कोलकाता ने वो टोटल 84 बनाया था. तो हर मैच में एक एक बार बीट हुआ है टोटल एंड फिर से स्वीप किया है. दे गोना पुश फॉर अ सेकंड एंड अब रिक्वायर्ड रन रेट 6 रन से नीचे जाते हुए 69 टू विन फ्रॉम 70 बॉल्स. दिस इज लुकिंग वेरी इजी फॉर चेन्नई. इट्स अ वॉक ओवर. पैड से लगी, वहीं गिर गई बॉल. Faf du Plessis ने आज अच्छी बैटिंग की है एंड ये पल्लू शॉट खेलते हुए एंड द बॉल इज गोइंग टू बीट द फील्डर. 4 रन मिलेंगे एंड दैट इज 57 बाउंड्रीज, अ लॉट ऑफ सिंगल्स, 37 बॉल्स. व्हाट अ टेरिफिक नॉक बाय Faf du Plessis. एंड यही कहते हैं बड़े प्लेयर्स के बारे में, बड़े मैचेस में हाथ उठाते हैं. एंड आज Faf du Plessis हाथ उठाते हुए. शुरू ऑफ द टूर्नामेंट में Faf du Plessis ने अच्छा किया था व्हेन एक मोमेंटम सेट करना था चेन्नई के लिए एंड अब नॉकआउट गेम में भी 50 मारते हुए. 52 of 38, 65 टू विन फ्रॉम 67 बॉल्स नाउ. नंबर 4 पे आएगा राइडू अंकित. स्वीप शॉट, शॉट फाइन लेग के पास खेला, कोई रन नहीं. ओवर समाप्त. 65 टू विन फ्रॉम 66 बॉल्स. यहाँ से इट शुड बी अ केक वॉक एंड क्रिस मॉरिस कंटिन्यू करते हुए. लेट्स होप कि उनका फ्रंट फुट राइट जगह सेट हो इस बारी. फ्लिक किया है, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है, लाइक पुशिंग फॉर अ सेकेंड. एक्सेलेंट रनिंग. आज दोनों टीम्स की जो भी कहो रनिंग बहुत अच्छी रही है बिटवीन द विकेट्स. वॉटसन का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन पे 20 बॉलों में एंड आज ओपनर्स एक टेरिफिक जॉब करते हुए. कट अवे एंड कट अवे ब्यूटिफुली पॉइंट के साइड से. ये वॉटसन का फेवरेट शॉट है एंड 100 की पार्टनरशिप पूरी होती हुई इन दोनों ओपनर्स के बीच में. बिल्कुल कहते हैं हवा निकाल दी है बेंगलुरु की. 101 की पार्टनरशिप. 52 फॉर डुप्लेसी, 34 फॉर वॉटसन
एंड 15 एक्स्ट्रा पुल्ड एंड पुल्ड टू स्टीप स्क्वायर लेग, एक रन मिलेगा। 58 नाउ फ्रॉम 63 बॉल्स। डुप्लेसी बैक ऑन स्ट्राइक। दिस मैच इज प्रिटी मच ओवर नाउ फॉर द बेंगलुरु टीम। सैडली ये जो राइड है ये खत्म होती हुई अब प्रिटी मच। ये देखिए हर चीज के लिए आज सिंगल भागा है। फुल बॉल थी, पैड पे लगी, लॉब हुई, सिंगल भाग लिया, लेग बाय उठा लिया, शेन वॉटसन को वापस स्ट्राइक पे ले आए। एंड यही डिफरेंस रही है दोनों टीम्स की। पुल्ड, इस बारी दे गोना पुश फॉर अनदर टू एंड दे गोना मेक इट इजिली। एक्सेलेंट रनिंग, 105 पे बढ़ता हुआ स्कोर। पंकज तू कौन सा मैच देखता है भाई? ड्राइव स्ट्रेट टू कवर। 10 ओवर पूरे हुए एंड ऑलरेडी प्रिटी मच होम नाउ। 105 फॉर नो लॉस चेन्नई। दूसरी तरफ 78 फॉर वन थे, 27 रन आगे हैं बेंगलुरु से अभी। हाय हैप्पी, क्या हाल है? चहल वापस आते हुए आउटसाइड एज शॉर्ट थर्ड मैन के पास गया, डॉट बॉल। आराम से खेला है आज फैफ डुप्लेसी ने, कोई प्रेशर नहीं डाला है खुद पे, मगर फिर भी 52 और 41 बॉल्स में है। गुड शॉट इन द गैप, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, एक फील्डर है वहां पे। एक रन दूसरे रन के लिए आ रहे हैं एंड एक्सीलेंट रनिंग। वीक थ्रो फ्रॉम द बाउंड्री, दो रन पूरे किए। 54 और 42, 53 टू विन। अब बोलिए दोस्तों कब जीतेगी? गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, लाइक का बटन दबाएं। अभी सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है, कल और परसों। पिंच ने किफियत 21 और 15 मारे आउटसाइड एज, अच्छी बोलेंगे। दो रन ही आए हैं इस ओवर से, बट आई थिंक नाउ इट्स जस्ट टू लेट। आई एम गुड गोधनिया, लाइक कर वीडियो को प्लीज भाई। ड्राइव फील्डर के पास फिर से, दो रन के लिए पुश कर रहे हैं। दिस कुड बी ट्रबल, बट ही मेक्स इट होम वंस अगेन। एक्सेलेंट रनिंग, इनसाइड एज, फाइन लेग पे कोई भी नहीं, दो रन पूरे करेंगे। देखो ना पुश फॉर अ थर्ड ईयर, नो, दो रन के साथ खुश। ओवर समाप्त, अब 50 से भी कम चाहिए। थैंक यू नूर, लाइक कर दे वीडियो को, नेक्स्ट आएगा। ड्राइव, एक और सिंगल, देखिए हर चीज पे सिंगल। 112 पे स्कोर को ले जाते हुए अब, कोई विकेट गिरी नहीं है अभी तक। क्राउड इज जस्ट नाउ श्योर कि दे नो कि कौन जीतने वाला है। थैंक यू गोधनिया। शिवम लाइक कर दे वीडियो को भाई। फ्लिक्ड आउटसाइड एज, बट देखिए फिर से सिंगल लेते हुए। ये सारे सिंगल बेंगलुरु ने मिस किए। 114, 10 के ऊपर रन रेट, अभी तो 190 भी टोटल होता आई थिंक बन जाता आज। बोलिए दोस्तों कितने ओवर में जीतेगी आज चेन्नई, कितने ओवर में जीत के फाइनल्स में जाएगी। फिर से इनसाइड एज, बॉडी पे लगी, फिर से एक रन भागते हुए। दे आर नॉट लेटिंग एनी डॉट बॉल गो। डेल स्टेन, नो विकेट फॉर 30 रन 2.3 ओवर्स में। आज 5 वाइड्स भी दिए हैं डेल स्टेन ने। पंकज भाई क्या बोलूं तुझे मैं। इनसाइड एज, द बॉल इज फ्लाइंग अवे एंड दिस टाइम ही इज बीन टेकन। So, Faf du Plessis की इनिंग्स कम्स टू एन एंड। 59 और 48 बॉल्स, इनसाइड एज, फ्लाइंग टू फाइन लेग एंड फाइनली एक विकेट गिरती हुई। बट द बेस्ट पार्टनरशिप, बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ द BFL, मोइन अली ने कैच ली। यस, रेज योर बैट विद प्राइड Faf du Plessis, यू हैव टेकन योर टीम थ्रू, यू हैव मेड दिस रन चेज लुक सो इजी। एंड अब रायना आते हुए बीच में, कैप्टन दोनों की, ये दोनों बैट्समैन साथ में ओपनिंग करने लगे हैं अभी रिसेंटली ओनली एंड पहले मैच में ही इट्स शोइंग रिजल्ट्स दूसरे मैच में। एंड अब वॉटसन वांट्स टू फिनिश दिस ऑफ इन स्टाइल, कट अवे फॉर 4। 43 पे जबरता हुआ वॉटसन का स्कोर, वो भी आज 50 मारना चाहते हैं। 42 टू विन फ्रॉम 49 बॉल्स। फ्लिक्ड ऑफ हिज लेग्स, बॉल जा रही है डीप स्क्वायर लेग के पास। इज ही गोना पुश फॉर अ सेकंड हियर? ही इज।
एंड इज गोना मेक इट होम वेरी इजीली। 120 पे बढ़ता हुआ 12 ओवर के बाद स्कोर। अभी भी पंकज पोखरिया कह रहे हैं कि जीतेगी आरसीबी, भाई मुश्किल है, जीत गई तो पता नहीं। पहली बॉल रायना उठाते हुए गैप में, लॉन्ग ऑन की फील करने की कोशिश में, दो रन मिलेंगे एंड रायना इज ऑफ द मार्क। अगर आपने देखा है पिछले दो मैचेस में स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए चेन्नई टीम अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज किया है उन्होंने, डुप्लेसी और वॉटसन को ओपनिंग में भेजा एंड आज देखिए इट्स पेड डिविडेंड्स। 115 रन या 118 रन की पार्टनरशिप। देन रायना अब नंबर 3 पे आए हैं, राइडू 4 पे बैट करेंगे, धोनी को पुश किया है डाउन दी ऑर्डर एंड धोनी ने भी पिछले मैच में रन मारे, जब भी पहले मैच में जब ही वॉज पुश्ड ही स्कोर 33 ऑफ 21, तो इट्स ऑल पेइंग ऑफ नाउ। एंड ये कहते हैं जब एक अच्छी टीम, स्मार्ट टीम होती है, अच्छा कैप्टन होता है, तो यही सब होता है, प्लानिंग होती है। उठा दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर है, एक रन मिलता हुआ, ही इज गोना कम बैक फॉर अ सेकंड। वॉटसन का स्कोर बढ़ता हुआ 47 पे अब एंड टीम का 125 पे। नो विकेट फॉर 21 रन्स, युजवेंद्र चहल। फ्लिक ऑफ हिज लेग्स एंड द बॉल इज फ्लाइंग अवे। इज दिस गोना बी द फर्स्ट सिक्स ऑफ द मैच? यस इट इज। व्हाट अ वे टू गो टू 50। शेन वॉटसन इस मैच का पहला छक्का मारते हुए and 53 for Shane Watson now for of 31 balls and again Watson doing what he does best. सबसे बड़ी गेम में अपनी टीम को सपोर्ट करता हुआ, ऊपर काट गैप में, चार रन के लिए जाएगी बॉल, doesn't matter अगर डीप पॉइंट का फील्डर भी है। एंड वॉटसन ने अब डट लिया है कि भाई मेरे को जल्दी से ख़त्म करना है मैच, घर जाना है, शावर लेना है एंड टीवी देखना है। आज फ्राइडे नाइट है, दो बियर पीऊँगा, टीवी देखूँगा मैं। 13 ओवर 135 रन ऑन द बोर्ड, ड्राइव एंड इन द गैप, डीप एक्स्ट्रा कवर पे कोई फील्डर नहीं एंड रायना इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। द बॉल इज रनिंग अवे फॉर 4, यस इट रीचेस द बाउंड्री, बीट्स द फील्डर। वोट लूंगा कल नूर। रायना 7 ऑफ 3, शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, काफी फाइन खेला है मगर फाइन लेग पे फील्डर है, एक रन मिलेगा। 20 रन दूर अब फ्रॉम द फाइनल्स, चेन्नई चैलेंजर्स। वेल चेन्नई सुपर किंग्स जब नाम था तब भी हमेशा फाइनल में पहुंचते थे एंड चेन्नई चैलेंजर्स हैं तब भी हमेशा फाइनल में पहुंच रहे हैं। 20 रन दूर, ड्राइव शॉर्ट कवर के फील्डर के पास सीधा, द रेयर डॉट बॉल। डिविलियर्स ने आज किफियात मारे, 27 रन 22 बॉलों में। राय फिर से अच्छी फील्डिंग, अभी भी अंधेर देखे, फालतू की थ्रो, इजी सिंगल देती हुई। वॉटसन 58 पे बढ़ते हुए, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको इसको थ्रो की। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे अभी अपना लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड फॉलो अगर देखना चाहते हैं कि लॉकडाउन में ज़िंदगी कैसी जी रहा हूँ मैं। यस मोनू किफियात, कैन यू प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल, थैंक यू। फ्लिक्ड ऑफ हिज लेग्स एंड इन द गैप, डीप मिड विकेट पे फील्डर है, इट्स गोना बी अ रन चेज फॉर हिम, ही गेट्स देयर, दो रन मिलेंगे। रायना बढ़ते हुए 10 रन पे एंड स्कोर बढ़ता हुआ 14 ओवर के बाद 143 पे। अरे एसवी म्यूजिक लेवल, बड़े टाइम बाद क्या हाल है। विराट ने जीशान मारे 88 नॉट आउट ऑफ 61 बॉल्स एंड अब मोइन अली आते हुए बॉलिंग में, ओ अच्छी बॉल, गुड स्टार्ट एंड मैच प्रीटी मच हाथ से निकलता हुआ। इट डजंट मैटर कितने ओवर में जीते बिकॉज नेट रन रेट डजंट काउंट इन अ नॉकआउट गेम लाइक अ सेमीफाइनल। पुल्ड अवे एंड दिस टाइम स्ट्रेट टू द फील्डर, स्क्वायर लेग फील्डर कैच लेते हुए एंड वॉटसन जाएंगे 58 ऑफ 36 बॉल्स में। बट बहुत अच्छी इनिंग्स आज दोनों ओपनर्स ने किया है काम अपनी टीम के लिए, बट मोइन अली को एक बोनस विकेट मिलती हुई। आज बैटिंग तो नहीं आई मोइन अली की, बट ही शोइंग इन द लास्ट 2-3 गेम्स कि भाई मेरे को ना अगले सीजन में निकालना मत। उदाना कैच लेते हुए, 8 बाउंड्री, एक छक्का, यस यू रेज योर बैट इन स्टाइल, यू डिजर्व इट। राइडू अब आते हुए, राइडू रायना आर द यंग इंडियन प्लेयर्स गोइंग टू टेक द टीम होम। ड्राइव मिस किया, डॉट बॉल,
शाहिद शेख, मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच तो कोहली को ही दिया जाएगा। स्वीप करने की कोशिश, बॉल वहीं लॉब हुई, कुछ नहीं कर पाए। एक और डॉट बॉल, अच्छा ओवर ये मोइन अली का, मे बी उसको जल्दी ला सकते थे बॉलिंग करने। पुल्ड एंड पुल्ड वेल, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेगा आई थिंक दे गोना पुश फॉर अ सेकंड। नो, थिंक अगेंस्ट इट, गुड कॉल, सिंगल ही मिलेगा। मोइन अली 1 for 1 in 5 balls, कोई विकेट नहीं लिया, आईडी 0 wickets। ओ प्ले एंड मिस, एक अच्छा ओवर मोइन अली का, 1 over 1 for 1। एंड अब वॉशिंगटन सुंदर, सेम काइंड ऑफ बॉलर एज मोइन अली, ऑफ स्पिनर आता हुआ, बट हाइट है इसके पास तो बाउंस मिलता है इसको। अच्छी बॉल, ड्राइव किया है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की तरफ जाएगी। दे गॉट अ पुश फॉर अ सेकंड, नो, 2 of 4। अंबती राइडू, आज इंटरनेट चल ही गया इन द एंड, दोनों को बोल रहा। ऊपर काट, एंड ऊपर काट ब्यूटिफुली पॉइंट के ऊपर से, एंड रायना को मिलेगा उनका दूसरा चौका। 14 रन पे बढ़ता हुआ उनका स्कोर 8 बॉलों में। सच्ची म्यूजिक लेबल। एक और शॉर्ट बॉल, एक और सेम शॉट, मगर इस बार ही डीप पॉइंट पे फील्डर है, बट ही वोंट गेट देयर। बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर रायना, वो भी घर जल्दी जाने की कोशिश में। 7 to win नाउ फ्रॉम 27 balls। फुलर बॉल, पल्लू शॉट, एक और चौका मिलेगा रायना को। ब्यूटिफुल बैटिंग, नाउ 3 runs away, विल ही फिनिश ऑफ इन दिस बॉल। 15.4 overs में 3 to win नाउ। कट एंड कट इन द गैप, आई थिंक इज गोना पुश फॉर अ सेकंड हियर, ही इज, एंड राइडू जस्ट गेट्स होम। तो एक रन चाहिए अब जीतने के लिए, एक बॉल बाकी चेन्नई जी पहुंचने के लिए फाइनल में, एक और रन रिक्वायर्ड। एंड पल्लू शॉट खेल के 28 नॉट आउट ऑफ 12 बॉल्स, एंड दैट इज द एंड ऑफ द मैच दोस्तों। व्हाट अ विन, काफी एक्सपेंसिव ओवर ये, 19 रन आते हुए, एंड इट्स अ वॉक ओवर, इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। 2 for 163 ओनली इन 16 overs, एंड गेम ओवर दोस्तों। किसी भी टाइम पे नहीं लगा कि चेन्नई वर इन ट्रबल, आज सिर्फ 5 विकेट्स गिरी है मैच में, एंड एंड में द ओपनर्स टेकिंग देम होम। व्हाट अ परफॉर्मेंस, 2 not out of 4 फॉर राइडू, मगर 28 not out of 12 balls, एंड एंड में आराम से जीतते हुए। एंड ये सारा विराट कोहली को दिया गया है मैन ऑफ द मैच, बट अब विराट कोहली करेंगे अपना बैग पैक और जाएंगे घर। ये देखिए 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, वहीं पे मैच को ख़त्म कर दिया। डुप्लेसी 59 of 48, 58 of 36, वॉटसन, रायना ने फिनिशिंग टचेस दिए, 28 not out of 12 balls, 5 boundaries के साथ, एंड 2 not out of 4 अंबती राइडू। 4 over 1 for 44, वेरी एक्सपेंसिव डेल स्टेन। उदाना ने अच्छी की, 2 overs 9 wickets for 16। चहाल 3 overs for 31, 3 overs for 30। मॉरिस, वॉशिंगटन सुंदर 3 overs for 35 runs, एंड मोइन अली 1 over 1 for 1। गेम ओवर दोस्तों, टूर्नामेंट ओवर नहीं हुआ है अभी, अभी कल की एक सेमीफाइनल मैच बाकी है। ये सारी पिक्चर्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आइए देखते हैं कल का मैच किसका है। कल है सेमीफाइनल 2, एंड कहाँ पे है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। चेन्नई आर इन द फाइनल्स ऑफ द BFL, एंड बेंगलुरु आर गोइंग होम। एंड कल है कोलकाता वर्सेस मुंबई। एडवांटेज कोलकाता की क्या है कि वेल, कोलकाता के होम ग्राउंड में कल है मैच। दे आर प्लेइंग इन, देख लेते हैं एक बारी, कल ईडन गार्डन्स में मैच है मुंबई के साथ कोलकाता का। एक क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट होने वाला है, यू नो कि इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज गेम, बिकॉज कोलकाता, अगर आपको याद होएगा, ईडन गार्डन्स में ही मुंबई ने कोलकाता के अगेंस्ट 250 रन मारे थे पहले। तो कल बहुत मजेदार मैच होने वाला है, अगर कोलकाता जीत जाती है इट विल बी द परफेक्ट रिवेंज मैच। ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो एट 5 PM फॉर द टॉस। गुड नाइट एंड गुड लक।